welcome back to my channel my name is ratika gupta and guys today we are going to talk about eugen ehrlich who belongs to sociological school of jurisprudence because eugen ehrlich's legal philosophy is very small, which revolves around two concepts namely popular acceptance and living law guys basically eugen ehrlich builds on the foundations laid by savigny a very broad theory where he says that law depends on popular acceptance of the people and he also carried forward earrings कॉन्सेप्ट और हिस्स थ्योरी ऑफ लिविंग लॉ ये जो कॉन्सेप्ट दिस दिस ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड वी टॉकिंग टॉकउट टूडोल्व वन इंग इन माई प्रीवियस लेक्चर उन्हीं की लीगल थ्योरी को इन्होंने थोड़ा और ज्यादा कैरी फॉरवर्ड करके इम्प्रोवाइज किया है इज इंग बिलव्ड इन स्पॉन्टेनियस इवोल्यूशन ऑफ लॉ एंड ही कंसिव लॉ इन द कॉन्टेक्स ऑफ एक्जिस्टिंग सोसाइटी रादर देन हैंंगिंग ऑन टू द पास्ट जस्ट लाइक हिस्टोरिकल ज्यूरिस्ट स्टेट इट मीन्स हम कुछ नया डिस्कस नहीं कर रहे हैं कैबलरी इज डिफरेंट कॉन्सेप्ट और एसेंस ऑफ लॉ इज़ एग्जैक्टली द सेम इनका भी यही मानना था कि लॉ को हमने सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में स्टडी करना है और यहाँ पे हम एग्जिस्टिंग सोसाइटी एंड एग्जिस्टिंग लॉ को पढ़ेंगे ना हम पुरानी और नई सोसाइटी के बारे में बात करेंगे ना ही हम पुराने और आने वाले लॉ के बारे में बात करेंगे वेयर ओनली कंसर्न अबाउट एग्जिस्टिंग सोसाइटी एंड लॉ इन एक्शन इनका ये कहना था कि जो लिविंग लॉ का कॉन्सेप्ट है वो जस्ट लाइक like जो इन ने डिफाइन किया वही है दैट लॉ हैज टू टू द चेंजिंग नीड्स ऑफ टाइम एंड इट हैज टू कीप पेस विद द चेंजिंग सोसाइटी जैसे जैसे एक सोसाइटी बदलती जाएगी प्रोग्रेस करती जाएगी लॉ को भी प्रोग्रेस करना होगा क्योंकि अल्टीमेटली लॉ एंड सोसाइटी देखो हैंड इन हैंड दे नेसेसरली नेग्जिस्ट एंड अंडर नो सरकमांसिस कैन डीज टू हैव सेपरेट एग्जिस्टेंस आई होप आपको पॉइंट क्लियर हो चुका है इन्होंने यही कहा कि लॉ को हमेशा अपने यूथ को और अपनी ग्लोरी को रिटेन और मैंटेन करके रखना है लॉ कभी भी स्टैटिक नहीं हो सकता इट हैज टू रिटेन इट्स डायनामिक कैरेक्टर

कोई भी प्रैक्टिकल लाइफ प्रॉब्लम आती है तो इनके अकॉर्डिंग लिविंग लॉ इज दी ओनली लॉ इट इज एन अलोन लॉ विच हैज़ अ क्रिएटिव फोर्स सिर्फ वही लॉ है जो इन प्रॉब्लम्स को गवर्न करेगा डोमिनेट करेगा और सिर्फ इसी लॉ का एक क्रिएटिव फोर्स है और कोई भी लॉ एग्जिस्ट करता ही नहीं है एंड क्योंकि इन लोगों ने इन सोशोलॉजिकल ने लॉ को सोसाइटी से रिलेट किया है

जहाँ पे लॉ एप्लीकेबल है उन लोगों ने ही लॉ को बनाया है इनका यही मानना है विच इज द एसेंस ऑफ सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ जोरो स्टूडेंट विच वी सो डिस्काइड अगर मैं कंक्लूड करूँ कि अर्लीज के अकॉर्डिंग लॉ क्या है इन्होंने कहा दैट लॉ नीड नॉट नेसेसरली बी आर्बिटरी क्रिएशन नीड नॉट नेसेसरि बी अ कमांड ऑफ अ सॉवरन इन अ स्टेट नो फोर्स और सैंक्शन या एक्सटर्नल कंपल्शन क्योंकि जो लॉ है वो लोगों ने बनाया लॉ उसको अपने आप फॉलो करेंगे ताकि प्रोग्रेसिव सोसाइटी के साथ लॉ आउटडेटेड ना हो जाए। दिस इज एसेंस ऑफ लीगल थियोरी स्टिल गाइज इफ एनी डाउटिंग टू इट प्लीज फील फ्री टू कॉमेंट इन दॉमेंट बॉक्स आई बी रिप्लाइन टू बाय